तो हे गाइस, यहाँ पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तारक मेहता शो को एक तरह से झटका तो लगा है, क्योंकि दोस्तों हमने पिछले वीक्स में देखा था कि जब सब टीवी की टीआरपी आती है तो हमेशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो टीआरपी रेटिंग थी वो 1.7 से 1.9 के बीच में फ्लक्चुएट होती थी। लेकिन दोस्तों जो इस हफ्ते तारक मेहता की टीआरपी आई है वो आई है 1.6, यानी कि उसने जो अपनी रेंज थी ना जिसमें वो चलता रहता है वो तोड़ी है और थोड़ी सी कम हुई है, 1.6 हुई है। अब दोस्तों जब भी तारक मेहता शो की रेटिंग कम होने लगती है ना, तो हमें मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि पोपट लाल की शादी की स्टोरी स्टार्ट कर दी जाती है, क्योंकि पोपट लाल की शादी एक तरह से ब्रह्मास्त्र है तारक मेहता शो मेकर्स के लिए। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि बहुत बार पोपट लाल की शादी टूट चुकी है, तो आई थिंक अब क्या ब्रह्मास्त्र वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दया की एंट्री के बहुत ज्यादा चांसेस और भी ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि वैसे भी उन्होंने बोला हुआ है कि दिवाली के आसपास एंट्री होने वाली है, तो अब दिवाली तो आ ही चुकी है, तो हाँ यहाँ पर दया की एंट्री होने का एक और रीजन मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों टीआरपी कम होने का जो रीजन नजर आता है यहाँ से, वो वर्ल्ड कप हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के कारण आई थिंक सभी शोज की टीआरपी अफेक्ट होती है। तो हाँ दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तारक मेहता से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली अपडेट्स आप मिस ना करो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।